हेलो, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में बैक वाटर कर्व क्या होता है, देन अनदर इज ड्रॉप डाउन कर्व क्या होता है। मगर उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा, ताकि जैसे ही मेरा कोई मैसेज आता है तो बेल आइकन यानी कि आइकन आपका बेल रिंग होगा, जोर से फोन आपका रिंग होगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है और आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो अब हम बात करेंगे। उससे पहले मेरा पिछला वीडियो जिसमें आपने देखा था कि हम पानी की हाइट, ये देखिए डीएच बाई डीएक्स क्या होता है, पहले मैंने निकाला था वॉट इज डीएच बाई डीएक्स। अब इसमें तीन पॉसिबल वो हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स हो सकती हैं। क्लियर हो गया? dH by dx क्या है? h is your height, means change in height of water with respect to distance. Distance क्या है? ये जो direction है, this is x direction. Clear हो गया? Horizontal direction. मतलब इसका मतलब क्या है? ये dH by dx है, dH by dx मतलब dx one है. क्या है? One है. जो भी कोई चीज बटे के नीचे आती है, means divide के नीचे आती है, वो one होता है. मतलब जब x डिस्टेंस में यूनिट चेंज आता है तो हाइट आपकी पानी में कितना चेंज आता है। क्लियर हो गया? तो हम इसमें तीन अलग अलग वो देखेंगे, अल्टरनेटिव्स देखेंगे। जैसे डी एच बाई डी एक्स इक्वल टू सपोज जीरो आ गया। क्लियर हो गया? जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, मतलब पानी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर हो गया? ये आपका एच डायरेक्शन है, एच डायरेक्शन में यानी कि पानी की हाइट होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर dH by dx जीरो है तो कहने का मतलब पानी का लेवल कांस्टेंट है, पानी की हाइट नहीं बढ़ रही है। कैसे? अभी हम देखते हैं। सपोज मैं एक, ये आपको मालूम है डिस्टेंस है, लंबाई है, पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लंबाई कवर करता होगा, इट कवर सम लेंथ। ओके, इसको x1 मान लेता हूं। कहने का मतलब, अब इसे देखिए, ये नीचे है dx, dx इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ, और वो भी कितना? ये नीचे है मीन्स यूनिट, जो चेंज आ रहा है आपस में वो यूनिट डिस्टेंस का आ रहा है। तो एक्स वन की वैल्यू सपोज वन ले लेता हूं, तो डॉट 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 डॉट, और यहां पर देखता हूं एच की वैल्यू आ रही कॉन्स्टेंट, इसको ले लेता हूं फाइव। कोई कंफ्यूजन? अब आपको क्या है, डीएच बाई डीएक्स जीरो आ रहा है। डीएक्स मीन्स यूनिट चेंज इन लेंथ, यूनिट मीन्स वन, वो वन एमएम हो सकता है, वन किलोमीटर हो सकता है, वन सेंटीमीटर हो सकता है, वन मीटर हो सकता है। ठीक है, मैं कितना चेंज करूं x डिस्टेंस में? यूनिट चेंज। तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी मेरी x2, वो होगी 2। क्लियर हो गया? तो भी मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है। अब ये जो वैल्यू है, ये h1 कितना होगा? 5। h2 तो भी 5 ही आया। क्लियर हो गया? h2 भी 5 ही आया। देयरफॉर मैं अच्छे से लिखूंगा, dh क्या होता है? h2 माइनस h1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज h2, h2 इज 5, एच वन भी 5 है और ये आया एच टू इज 2 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है? 0। तो कहने का मतलब है जो पानी की हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर dH by dx, अगर जो डेरिवेटिव है dH by dx इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, किसकी? पानी की, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस। अगर वो 0 है मतलब पानी की हाइट कॉन्स्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो नहीं है। तब ये फ्लो हो जाता है, दिस फ्लो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। कोई कंफ्यूजन? यूनिफॉर्म फ्लो। तो वैसे ही हम बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए दूसरा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट व्हेन dH by dx। अभी क्योंकि हम इस चैप्टर में हैं, ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के अंदर आ रहा है। अभी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या हो रहा है आपका, ये जो देखिए यहां पर एक, ये आपका ये चैनल का बॉटम है, ये एक चैनल है, एक डैम है, डैम से पहले पानी है। क्लियर हो गया? ये एच वन हाइट है। अब देखेंगे ये जो डॉटेड लाइन है, सपोज अगर पानी की हाइट नहीं बड़ी होती तो ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, जो सबसे नीचे वाली है, यही डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती कि ये पानी की नॉर्मल हाइट है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, मेरा पिछला वीडियो देखिए, डैम के पीछे लगातार हाइट बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया? तो ये वो टॉप, जो टॉप पानी का प्रोफाइल है, यानी कि ये पानी की सरफेस अब क्या है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है। चैनल में एक सेक्शन पे पानी की हाइट है h1, जहां पे पानी का लेवल सबसे ज्यादा हो गया है, ये देखिए यहां से यहां तक पानी की हाइट कितनी? h2। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? तो अब हम देखते हैं ये प्रोफाइल कैसा है। देखिए dH by dx इज इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। ओके,
तो मैं इसको बोलूंगा, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं, ये डिस्टेंस एक्स है जिसमें पानी अपना डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, क्लियर हो गया, और ये है आपकी पानी की हाइट। अब देखिए इसका ग्राफ आता है ऐसे, कैसे ऐसे, कोई कंफ्यूजन? सपोज ये एक वैल्यू ले लेता हूं, यहां पर एक वैल्यू लेता हूं, दिस इज एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू है वन, ठीक है, और इसके हिसाब से एच टू कुछ आएगा, ये एक्स वन है तो ये एच वन आएगा, क्लियर हो गया। अब एच वन की वैल्यू दे देता हूं टू, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब आपको मालूम है कि मेरे को एक्स डिस्टेंस कितने से चेंज कर रहा है, यूनिट से कर रहा है, यूनिट से। तो नेक्स्ट जो मेरा होगा ये एक्स टू है, इसकी वैल्यू दे देते हैं, अगर यूनिट से चेंज हो रहा है तो एक्स टू की वैल्यू टू ही आने वाली है। सपोज इसको मान लेते हैं, अब ये कहीं आ रहा है, एक काम करता हूं, ये जो एच वन है, एच वन नीचे लिखता हूं थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, टू, ठीक है, ताकि मैं प्लॉटिंग सही कर सकूं। ये हो गया आपका एच टू, कोई कंफ्यूजन? ये मान लेते हैं पांच आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये टू है और ये जो वैल्यू है ये फाइव है। तो अगर मैं इसका एच टू माइनस एच वन, ये क्या होता है, ये चेंज इन हाइट, ये नहीं लेना, एच टू माइनस एच वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, देखते हैं कितना आता है। एच टू, एच टू इज फाइव, एच वन इज टू, एक्स टू कितना आया, टू माइनस वन, तो कितना आ रहा है, दिस इज थ्री बाय वन, तो देखा ग्रेटर देन थ्री आया, ये मीन्स डी एच बाई डी एक्स इज कमिंग थ्री, क्लियर हो रहा है। तो इसका ग्राफ लगातार बढ़ता है, यानी ये पानी हाइट लगातार बढ़ रही है। तो ये होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, और ये जो प्रोफाइल है यही वो पानी का प्रोफाइल है, देखिए पानी का लगातार हाइट बढ़ रही है। तो इस प्रोफाइल को बोलते हैं, वी कॉल इट दिस बैक वाटर कर्व प्रोफाइल। आई थिंक आई होप यू अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया। ये एक तीसरी एक चीज और रहती है, ये देखिए अभी अब इसमें क्या होता है, लेस देन जीरो, दिस इज लेस देन जीरो। अगर आप देखेंगे इसका जो ग्राफ रहता है, ये लगातार डिप होता है, पानी का लेवल डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्लियर हो गया। ओके, तो अगर आप देखिए पहला, सपोज ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये है आपका एच डायरेक्शन, पानी की हाइट। अगर मैं यहां पर एक्स वन ले लेता हूं, क्या लेता हूं, इसकी वैल्यू लेता हूं वन, ठीक है, यहां पर लिया ये ओके, इसके हिसाब से एच वन आएगा, कुछ एच वन आएगा, सपोज पांच मान लीजिए, ओके। अब आपको जो एक्स है कितने से चेंज करना है, यूनिट डिस्टेंस से, अगर एक्स वन वन है तो एक्स टू होगा आपका टू, तो ये हो गया आपका एक्स टू, और एक्स टू की वैल्यू कितनी आ रही है, टू मान लिया। एक काम करता हूं, ये वाली एक्चुअली ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है, तो ये जो एच वन है, एच वन मैं लिखता हूं यहां पर फाइव, कोई कंफ्यूजन? एक्चुअली बीच में जब मैं ग्राफ बना रहा था प्रॉब्लम होती थी, ये डॉटेड लाइन से मैंने कर दिया, ये हो गया आपका एच टू, एच टू आया सपोज, अभी देखिए ये वैल्यू नीचे आ रही है तो ये डेफिनेटली थ्री होगी, तो मैं प्लॉट करता हूं एच टू माइनस एच वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एच टू कितना है आपका थ्री माइनस एच वन फाइव, और एक्स टू अपना हो गया है टू, ये माइनस वन, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव टू बाय वन। तो मैंने क्या बोला, जब पानी डिप हो रहा होता है, क्लियर हो गया, तब जो प्रोफाइल आता है वो नीचे की साइड आता है, हाइट वर्सेस एक्स के डायग्राम में, तो ये लेस देन जीरो होता है, दैट प्रोफाइल इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन कर्व, ड्रॉप डाउन कर्व। आई होप यू अंडरस्टूड। और एक चीज और देखिए, हम स्पेशली सिर्फ बात कर रहे हैं ग्रेजुअली, ये भी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, क्लियर हो गया। जो सबसे पहली कंडीशन थी दैट वॉज जिसमें पानी की हाइट में चेंज नहीं आता है, जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाता है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, क्लियर हो गया। अब यहां पे पानी की हाइट लगातार बढ़ रही थी, तो मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं दिस इज एच टू, यहां से लेके एस यहां तक, और जो पहले की हाइट थी एक सेक्शन पे चैनल के, एक चैनल ये साइड व्यू बना के रखा हुआ मैंने, ठीक है, ये ओरिजिनल वाटर का लेवल है, ये चैनल का बॉटम है, क्लियर हो गया। और ये जो है दिस इज कॉल्ड डेटम लाइन, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये, मतलब कोई भी नहर है उसका बॉटम है, ये होता है डेटम हेड, क्लियर हो रही है, दैट इज कॉल्ड जेड, इसे डिनोट किया जाता है जेड से, क्लियर हो गया। तो देखिए अगर मैं डिफरेंस ढूंढना चाहता हूं मैक्सिमम हाइट से मिनिमम हाइट का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड, यहां पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, दैट डिफरेंस, ये जो मैंने बनाया देखिए, ये यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं एच टू माइनस एच वन, ये तो दोनों पानी की हाइट को माइनस करोगे तो यूल गेट अ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एफ्लक्स, दिस इज That is equal to H2 minus H1.
तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा. यू रियली लाइक माय वीडियो आफ्टर सीइंग दिस सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक. सो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल. दिस इज अ रिक्वेस्ट, सो ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहूंगा. तो इसके लिए आपको मुझे बूस्ट करना पड़ेगा. कैसे? सब्सक्राइब करके, कमेंट्स डालिएगा. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज राइट योर कमेंट्स एट लीस्ट सो आई कैन रीड योर कमेंट्स एंड देन एज अ रिप्लाई आई कैन प्रेजेंट मीन्स ऐसे वीडियो जो आप चाहते हैं. क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच. सत श्री अकाल.